नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो पर। आप सुन रहे हैं अनुपम मिश्र जी की किताब आज भी खड़े हैं तालाब के प्रस्तुत ग्रंथ, जिसका शीर्षक है पाल के किनारे रखा इतिहास। अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने कुड़न किसान से कहा था। कुड़न, बुढ़ान, सरमन और कौराई थे चार भाई। चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कुड़न की बेटी आती पोटली से खाना लेकर। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दरांती से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो, उसकी दरांती तो पत्थर पर पड़ते ही सोने में बदल गई और फिर बदलती जाती है। इस लंबे किस्से की घटनाएं बड़ी तेजी से। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी खेत पर आती है, अपने पिता और चाचाओं को सब कुछ एक सांस में बता देती है। चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है। जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। वे लोहे की जिस चीज को छूते हैं वह सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देती है। पर आंखों की यह चमक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कुड़न को लगता है कि देर सपेर राजा तक यह बात पहुंच ही जाएगी और तब पारस छीन जाएगा। तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वे खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दे। किस्सा आगे बढ़ता है। फिर जो कुछ घटता है वह लोहे का नहीं बल्कि समाज को पारस से छुआने का किस्सा बन जाता है। राजा न पारस लेता है न सोना। सब कुछ कुड़न को वापस देते हुए कहता है, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। यह कहानी सच्ची है, ऐतिहासिक है नहीं मालूम, पर देश के मध्य भाग में एक बहुत बड़े हिस्से में यह इतिहास को अंगूठा दिखाती हुई लोगों के मन में रमी हुई है। यही के पाटन नामक क्षेत्र में चार बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं और इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसने वालों को लजाते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर है। बुढ़ागर में बुढ़ा सागर है, मझगवा में सरमन सागर है, कुआग्राम में कौराई सागर है तथा कुंडम गांव में कुंडम सागर। सन 1907 में गजेटियर के माध्यम से इस देश का व्यवस्थित इतिहास लिखने घूम रहे अंग्रेज ने भी इस इलाके में कई लोगों का यह किस्सा सुना था और फिर देखा परखा था इन चार बड़े तालाबों को। तब भी सरमन सागर इतना बड़ा था कि उसके किनारे पर तीन बड़े बड़े गांव बसे थे और तीनों गांव इस तालाब को अपने अपने नामों से बांट लेते थे। पर वह विशाल ताल तीनों गांव को जोड़ता था और सरमन सागर की तरह स्मरण किया जाता था। इतिहास ने सरमन, बुढ़ान, कौराई और कुड़न को याद नहीं रखा, लेकिन इन लोगों ने तालाब बनाए और इतिहास को उनके किनारे पर रख दिया था। देश के मध्य भाग में ठीक हृदय में धड़कने वाला यह किस्सा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ किसी न किसी रूप में फैला हुआ मिल सकता है और इसी के साथ मिलते हैं सैकड़ों हजारों तालाब। इनकी कोई ठीक गिनती नहीं है। इन अनगिनत तालाबों को गिनने वाले नहीं, इन्हें तो बनाने वाले लोग आते रहे और तालाब बनते रहे। किसी तालाब को राजा ने बनाया तो किसी को रानी ने, किसी को किसी साधारण गृहस्थ ने, विधवा ने बनाया तो किसी को किसी असाधारण साधु संत ने। जिस किसी ने भी तालाब बनाया वह महाराज या महात्मा ही कहलाया। एक कृतज्ञ समाज तालाब बनाने वालों को अमर बनाता था और लोग भी तालाब बनाकर समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। समाज और उसके सदस्यों के बीच इस विषय में ठीक तालमेल का दौर कोई छोटा दौर नहीं था। एकदम महाभारत और रामायण काल के तालाबों को अभी छोड़ दे तो भी कहा जा सकता है कि कोई 5वीं सदी से 15वीं सदी तक देश के इस कोने से उस कोने तक तालाब बनते ही चले आए थे। कोई 1000 वर्ष तक अवधि गति से चलती रही इस परंपरा में 15वीं सदी के बाद कुछ बाधाएं आने लगी थी, पर उस दौर में भी यह धारा पूरी तरह से रुक नहीं पाई।
सुख नहीं पाई। समाज ने जिस काम को इतने लंबे समय तक बहुत व्यवस्थित रूप से किया था, उस काम को उथल पुथल का वह दौर भी पूरी तरह से मिटा नहीं सका। 18वीं और 19वीं सदी के अंत तक भी जगह जगह पर तालाब बन रहे थे, लेकिन फिर बनाने वाले लोग धीरे धीरे कम होते गए। गिनने वाले कुछ जरूर आ गए, पर जितना बड़ा काम था उस हिसाब से गिनने वाले बहुत ही कम थे और कमजोर भी, इसलिए ठीक गिनती भी कभी हो नहीं पाई। धीरे धीरे टुकड़ों में तालाब गिने गए, पर सब टुकड़ों का कुल मेल भी कभी बिठाया नहीं गया। लेकिन इन टुकड़ों की झिलमिलाहट पूरे समग्र चित्र की चमक दिखा सकती है। लबालब भरे तालाबों को सूखे आंकड़ों में समेटने की कोशिश किस छोर से शुरू करे, फिर से देश के बीच के भाग में वापस लौटे। आज के रीवा जिले का जोडौरी गांव है, कोई 2500 की आबादी का, लेकिन इस गांव में 12 तालाब है। इसी के आसपास है ताल मुगदान, आबादी है बस कोई 1500 की, पर 10 तालाब है गांव में। हर चीज का औसत निकालने वालों के लिए यह छोटा सा गांव आज भी 150 लोगों पर अच्छे तालाब की सुविधा जुटा रहा है। जिस दौर में ये तालाब बने थे उस दौर में आबादी और भी कम थी, यानी तब जोर इस बात पर था कि अपने हिस्से में बरसने वाले हर एक बूंद इकट्ठी कर ली जाए और संकट के समय आसपास के क्षेत्रों में भी उसे बांट लिया जाए। वरुण देवता का प्रसाद गांव अपनी अंजुली में भर लेता था, और जहाँ प्रसाद कम मिलता है वहां तो उसका एक कण एक बूंद भी भला कैसे बगरने दी जा सकती थी। देश के सबसे कम वर्षा के क्षेत्र जैसे राजस्थान और उसमें भी सबसे सूखे माने जाने वाले थार के रेगिस्तान में बसे हजारों गांव के नाम ही तालाब के आधार पर मिलते हैं। गांव के नाम के साथ ही जुड़ा है सर, सर यानी तालाब, सर नहीं तो गांव कहाँ। यहाँ तो आप तालाब गिनने के बदले गांव ही गिनते जाए और फिर जोड़ में 2 या 3 से गुना कर दे। जहां आबादी में गुना हुआ और शहर बना, वहां भी पानी न तो उधार लिया गया न आज के शहरों की तरह कहीं और से चुरा कर लाया गया। शहर ने भी गांव की तरह ही अपना इंतजाम खुद किया। अन्य शहरों की बात बाद में। एक समय की दिल्ली में कोई 350 छोटे बड़े तालाबों का जिक्र मिलता है। गांव से शहर, शहर से राज्य पर आए, फिर रीवा रियासत लौटे। आज के मापदंड से यह पिछला हिस्सा कहलाता है, लेकिन पानी के इंतजाम के हिसाब से देखें तो पिछली सदी में वहां सब मिलाकर कोई 5000 तालाब थे। नीचे दक्षिण के राज्यों को देखें तो आजादी मिलने से कोई 100 बरस पहले तक मद्रास प्रेसिडेंसी में 53000 तालाब गिने गए थे। वहां सन 1885 में सिर्फ 14 जिलों में कोई 43000 तालाबों पर काम चल रहा था। इसी तरह मैसूर राज्य में उपेक्षा के ताजे दौर में सन 1980 तक में कोई 39000 तालाब किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा कर रहे थे। इधर उधर बिखरे ये सारे आंकड़े एक जगह रखकर देखे तो कहा जा सकता है कि इस सदी के प्रारंभ में आषाढ़ के पहले दिन से भादो के अंतिम दिन तक कोई 11 से 12 लाख तालाब भर जाते थे, और अगले जेठ तक वरुण देवता का कुछ न कुछ प्रसाद बांटते रहते थे, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे काम करते जाते थे। प्रस्तुत ग्रंथ पाल के किनारे रखा इतिहास का संदर्भ। खरे सोने से बने तालाबों की कहानी सन 1907 के गजेटियर का अपवाद छोड़ दे तो इतिहास की किसी और अंग्रेजी पुस्तक में नहीं मिलती, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, जबलपुर और मंडला जिलों में यह कहानी गांव-गांव में तालाबों पर सुनाई देती है। इस तरह यह सचमुच पाल के किनारे रखा इतिहास है। श्री भूपत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक पाटन तहसील के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में इस कहानी का विस्तृत विवरण मिलता है। इस विवरण में कहानी में वर्णित 4 विशाल तालाबों में से एक कुंडम तालाब से निकलने वाली हिरण नामक नदी की कथा भी विस्तार से दी गई है। इस क्षेत्र का परिचय और यहाँ दी गई जानकारियाँ हमें जनसत्ता नई दिल्ली के श्री मनोहर नायक से प्राप्त हुई है।
श्री वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास रानी दुर्गावती में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पारस से बनने वाले तालाबों का उल्लेख एक अलग अर्थ में मिलता है। जबलपुर प्राधिकरण द्वारा सन 1977 में प्रकाशित जबलपुर स्मारक ग्रंथ में भी इस कथा की एक झलक है। जबलपुर के पास ही सन 1939 में हुए प्रसिद्ध त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन के अवसर पर छपी त्रिपुरी कांग्रेस गाइड में भी इस कथा में वर्णित क्षेत्र के कई भव्य तालाबों का विवरण दिया गया था। आजादी की लड़ाई के बीच आयोजित इस ऐतिहासिक सम्मेलन में जहां श्री सुभाष चंद्र बोस और श्री पट्टाभी सितारमैया जैसे नेता उपस्थित थे, वहां भी तालाबों का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं माना गया था। पर इस प्रसंग की तुलना कीजिए सन 1991 के तिरुपति कांग्रेस अधिवेशन से। जल संकट से घिरे कठिन दौर में आयोजित इस सम्मेलन का पांडाल कभी के एक भव्य पर अब सूख चुके अविलल नामक तालाब के आगर पर ही ताना गया था। आगर की नमी के कारण पंडाल के भीतर का तापमान बाहर की गर्मी से 4 अंश कम था, लेकिन इस अधिवेशन में उपस्थित हमारे नए आत्मुग्ध नेताओं ने देश के सामने छाए तरह तरह के संकटों के पार उतरने में लोक बुद्धि पर कोई भरोसा नहीं जताया। इसी तरह सन 1993 का कांग्रेस अधिवेशन भी दिल्ली की सीमा पर सूरज कुंड में हुआ था। वह ऐतिहासिक तालाब भी आज पट चुका है। तालाबों की सर्वत्र की जा रही उपेक्षा के अनुपात में ही पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। महाभारत काल के तालाबों में कुरुक्षेत्र का ब्रह्मसर, करनाल की कर्ण झील और मेरठ के पास हस्तिनापुर में शुक्रताल आज भी है और पर्वों पर यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। रामायण काल के तालाबों में श्रृंगवेरपुर का तालाब प्रसिद्ध रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक श्री बी.बी. लाल ने पुराने साक्ष्य के आधार पर इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर खुदाई कर इस तालाब को ढूंढ निकाला है। श्री लाल के अनुसार यह तालाब ईसा पूर्व 7वीं सदी में बना था, यानी आज से 2700 बरस पहले। श्रृंगवेरपुर के तालाब का संक्षिप्त विवरण गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित पुस्तक हमारा पर्यावरण 1988 में तथा विस्तृत विवरण नई दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा देश के जल संग्रह के परंपरागत तरीकों पर अक्टूबर 1990 में आयोजित गोष्ठी में श्री लाल द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तुत लेख में उपलब्ध है। 15वीं से 18वीं सदी तक के समाज का, उसके संगठन का, उसके विद्या केंद्रों का विस्तृत विवरण श्री धर्मपाल द्वारा लिखी गई इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी और द ब्यूटीफुल ट्री पुस्तकों में मिलता है। प्रकाशक है पिप्लिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/18 अंसारी रोड, नई दिल्ली 2। इस विषय पर पुणे की संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्चरल फ्रीडम में श्री धर्मपाल के भाषण हुए थे। इन भाषणों को नई दिल्ली के दैनिक हिंदी पत्र जनसत्ता ने एक लेखमाला के रूप में प्रकाशित किया था, जो बाद में शताब्दी प्रकाशन 48 स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा मध्य प्रदेश की ओर से अंग्रेजों से पहले का भारत शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित श्री रामेश्वर मिश्र पंकज की पुस्तक आज की अपेक्षाएं और नदियां और हम भी इस विस्तृत लेखन लगभग विस्तृत विषय पर उम्दा प्रकाश डालती है। रीवा के तालाबों की जानकारी सन 1907 के गजेटियर से ली गई है। गजेटियर तब की रीवा रियासत में आने वाले गांव के तालाबों का विस्तृत ब्यौरा देता है। थार के रेगिस्तान में पानी के काम पर श्री ओम थानवी, संपादक जनसत्ता चंडीगढ़, श्री शुभू पटवा बिना सर बीकानेर तथा श्री सुरेंद्रमल मोहनोत मरुभूमि विज्ञान केंद्र 109 नेहरू पार्क जोधपुर से संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली के 350 तालाबों का उल्लेख सन 1971 की जनगणना रिपोर्ट में मछली पालन के संदर्भ में मिलने वाले पुराने आंकड़ों में सिर्फ एक पंक्ति में मिलता है। इस छोर को पकड़कर आगे काम करते हुए
हमें भारतीय मानचित्र सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1807 में छपे एक नक्शे में कई तालाब देखने को मिलते हैं। इसी सिलसिले में श्री मोहम्मद शाहिद के सौजन्य से मिले दिल्ली के सन 1930 के एक दुर्लभ नक्शे में उस समय के शहर में तालाबों और कुओं की गिनती लगभग 350 की संख्या छूती है। शाहिद जी के 2583 चूड़ीवालान दिल्ली 6 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण के राज्यों विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर कर्नाटक के तालाबों के फैलाव संख्या और संचालन के बारे में इन क्षेत्रों के गजेटियर सिंचाई और प्रशासन रिपोर्टों की काफी मदद मिली। इसी कड़ी में सन 1983 में कर्नाटक राज्य योजना विभाग के श्री एम जी भट्ट श्री रामनाथन चेट्टी और श्री अंबाजी राव द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से भी सहायता ली गई है।